फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे किचन में आज हम आपके लिए लेके आए हैं साउथ इंडिया का फेमस स्ट्रीट फूड मसाला पूरी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मसाला पूरी का मसाला कई तरीके से बनाया जाता है आज हम ये मसाला सफ़ेद मटर से बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कप सफ़ेद मटर इनको मैंने ओवरनाइट सोक करा है सोक करने के बाद इनमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा का सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और अब सबसे पहले हम इनको बॉईल कर, कर लेते हैं मटर को कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़े साइज का आलू और इसको मैंने चार टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक यहाँ पर हमने ली है एक कप मटर तो एक कप मटर के हिसाब से मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दो कप पानी पानी का मेजरमेंट आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप पानी ऐड कीजिए आपकी मटर अच्छी तरीके से डूब जाए और एक इंच ऊपर तक पानी उसमें रहना चाहिए मटर के डूबने के बाद तो चलिए कुकर का लिट करते हैं बंद और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है कुकर को हमने गैस पे रख लिया है गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम मीडियम फ्लेम पे हम इसमें लेंगे चार से पांच विसल्स विसल्स आने के बाद गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ कुकर का प्रेशर हमें रिलीज नहीं करना है इसे अपने आप ठंडा होने दें कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है तो एक बार खोल के चेक कर लेते हैं हमारी मटर बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुई है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है अगर आपको लगे कि मटर उतने सॉफ्ट नहीं हुई है तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसमें एक दो बिस्ल्स और ले सकते हैं क्योंकि मसाला पूरी बनाने के लिए यहाँ पर हमें बिल्कुल सॉफ्ट मटर चाहिए मटर अगर थोड़ी कम सॉफ्ट होगी तो मसाले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पोटैटो मैशर और इसकी हेल्प से मैं इनको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ ताकि आलू हमारी मटर के साथ अच्छी तरीके से मैश हो जाए लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी मैश नहीं करना है क्योंकि थोड़ी मटर हमें साबुत चाहिए और थोड़ी मटर हमें मैश चाहिए मटर और आलू को हमने मैश कर लिया है तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है गैस पर मैंने रख ली है एक कढ़ाई और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग दो तो टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऑयल को हीट होने देते हैं ऑयल हमारा हीट हो चुका है तो यहां पर मैं ऐड कर रही हूं वन फोर्थ टी स्पून हींग आधा छोटा चम्मच जीरा एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं गैस का फ्लेम हम लो कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले जल ना जाए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक सारी चीजों को एक मिनट के लिए भून लेते हैं वन फोर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं एक बार सारे मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तीन मीडियम साइज के टमाटर और इनको मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लिया है तो इनको भी ऐड कर लेते हैं थोड़े टमाटर के पीसेस मैंने यहाँ पर बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूं आधा छोटा चम्मच नमक नमक आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं एक बात का और ध्यान रखें मटर को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक ऐड करा था तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर नमक ऐड करें अब टमाटर को हम कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और मैशी नहीं हो जाते तो गैस का फ्लेम हम कर लेते हैं मीडियम और टमाटर को हम होने देते हैं बिल्कुल सॉफ्ट टमाटर को कुक होते हुए लगभग चार से पाँच मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल मशी हो चुके हैं तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला गरम मसाले को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं टमाटर के साथ और फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर जो हमने बॉयल करके रखी थी हमने मटर को यहाँ पर ऐड कर लिया है तो टमाटर के साथ एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपके मटर में पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें क्योंकि मसाला पूरी के मसाले में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं होता है मैं यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारी मटर में पानी बिल्कुल परफेक्ट है मटर को हमने टमाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब गैस का फ्लेम हम कर लेते हैं मीडियम और इसमें एक बॉयल आने का वेट करते हैं थोड़ा थोड़ा हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए ये देखिए इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट हो गया है ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है अगर आपकी मटर इससे ज़्यादा थिक हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए और पतली हो तो थोड़ा और ज़्यादा पका लीजिए तो अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो हमारा मसाला पूरी का मसाला बिल्कुल तैयार है तो चलिए फटाफट से इसको पूरी के साथ ऐड करके अपनी मसाला पूरी की प्लेट बना के तैयार करते हैं यहाँ पर हमने ले ली है कुछ रेडीमेड पूरी तो इन्ही के हेल्प से आज हम अपनी मसाला पूरी बना के तैयार करने वाले हैं हम यहाँ पर दो प्लेट मसाला पूरी बना रहे हैं तो एक प्लेट में मैंने लगभग सात पूरीओ को सेट कर लिया है एक प्लेट में कितनी पूरी रखनी है ये आपकी चॉइस है अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं तो सबसे पहले हम पूरी को थोड़ा सा क्रश करके रेडी कर लेते हैं को यहाँ पर हमने क्रश कर लिया है तो अब इस पर हम ऐड करते हैं मसाला जो अभी अभी हमने तैयार करा था तो मसाले को हमने पूरीयों के ऊपर ऐड कर लिया और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से फिटा हुआ दही दही जितना आप चाट में प्रेफर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग दही यहाँ पर आप ऐड करें अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूं इमली की खट्टी मीठी चटनी इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें क्योंकि चाट में सबके फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीज़ें ऐड करेंगे तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पुदीने की चटनी इसकी भी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर जो हमने बचा के रखे थे वही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो टमाटर के साथ साथ आप यहाँ पर प्याज भी ऐड कर सकते हैं टमाटर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर इससे हमारी चाट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी अब मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा नमक जितना भी आप प्रेफर करें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लाल मिर्च अगर आपको चाट में ज्यादा तीखा पसंद है तो यहां पर आप थोड़ी सी ग्रीन चिलीज का भी यूज कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़े से नायलॉन सेब अगर आपके पास नायलॉन सेब अवेलेबल नहीं है तो जो भी नमकीन आपके पास अवेलेबल है वही नमकीन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि चाट में सारे ही नमकीन बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फाइनली अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिये के साथ हमारी मसाला पूरी चाट बन के बिल्कुल तैयार है ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है कितनी कलरफुल है जितनी कलरफुल है उतनी ही ये फ्लेवरफुल भी है जितनी देखने में सुंदर है उससे कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगती है तो आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें